क्वेश्चन नंबर 39 आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा डर लग रहा होगा क्वेश्चन को देखकर। देखिए क्वेश्चन के अंदर 1 है, 1 अपॉन x प्लस 2 है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 है, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 है और प्लस का 5x प्लस 2 dx है। कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा किया जाए, तो कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन आप पहले 1 का अलग लिख लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन आप 1 अपॉन x प्लस 2 का अलग कर लीजिए। देखिए फिर प्लस इंटीग्रेशन आप 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 को लिख दीजिए, तो रूट 2 का होल स्क्वायर आप अलग कर लीजिए, और उससे बढ़िया रहेगा कि आप इसे i लेट कर लीजिए, i इज इक्वल टू, फायदा ये रहेगा कि मतलब जब आप i लिखोगे तो i जब तक आपके पास खत्म नहीं होता तो आपके पास एक ही स्टेप रहेगी। अब देखिए फिर प्लस में आपके पास ये होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस में आपके पास रूट टू का होल स्क्वायर डीएक्स आप अलग कर लीजिए, और फिर प्लस में आपके पास ये जो 5 इंटीग्रेशन में एक्स प्लस टू डीएक्स इसे आप अलग कर लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास ये जो 1 है किस चीज को डिफरेंशिएट करते हो और 1 आता है, मतलब एक्स को, गुड। तो ये आपके पास होगा x। अब देखो ये 1 अपॉन में x प्लस में 2 है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x प्लस 2 इसका मतलब ये रहा होगा log x प्लस 2। अब देखिए यहाँ dx लिखना, देखिए मैं भूल गया था, अब 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखिए एक नया फॉर्मूला हम आपके सामने यूज कराएंगे, फॉर्मूला आप कई बार यूज कर चुके हो, 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब आपके पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या होता है? देखिए इसका आंसर होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। देखिए फिर प्लस में आपके पास 5 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x, और प्लस में कितना होगा c। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का, नोट कर लीजिए।